हेलो एवरीवन, दिस इज एरो एके एंड वेलकम बैक टू द चैनल एरो गेमिंग। तो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि ट्रेनिंग मोड में आप ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और अपने आप को ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए कैसे रेडी कर सकते हो। तो मैंने ये बहुत बार देखा है कि प्लेयर्स ट्रेनिंग मोड खेलते हैं एंड बहुत ज़्यादा खेलते हैं और वो चाहते हैं कि अपना गेम इम्प्रूव करें। बिल्कुल गेम इम्प्रूव होता है उससे, बट यहाँ पे अगर आप ई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो उसके लिए भी ट्रेनिंग मोड में आप इफेक्टिवली ट्रेनिंग कर सकते हो सभी प्लेयर्स के लिए, लाइक स्नाइपर्स, नेडर्स, शॉर्ट रेंज प्लेयर्स एंड लॉन्ग रेंज प्लेयर्स सभी के लिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि इफेक्टिवली आप ट्रेनिंग मोड में ई स्पोर्ट्स के लिए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट रेंज प्लेयर्स की। तो शॉर्ट रेंज प्लेयर्स की मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि वो ये गलती बार बार करते हैं, वो डेजर्ट ईगल ले आते हैं, वो M18 लेकर आ जाते हैं या फिर शॉर्ट गन ले आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वन टैप मारने का ट्राई करते हैं। वो जितने टाइम ट्रेनिंग मोड में रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन टैप मारने का ट्राई करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे वन टैप की प्रैक्टिस ना करो, आप बिल्कुल करो, बट यहाँ पे अगर आप एज अ रशर ई स्पोर्ट्स में खेलना चाहते हो तो आपको अपना प्लेइंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा और थोड़ा सा वेरिएशन अपने शॉर्ट रेंज गेम में लाना होगा। लाइक आपको टैकलिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको दो तीन प्लेयर्स को एक साथ टैकल करना होगा, उनसे डिफेंस करना होगा ग्लू बॉल लगा के और साथ ही साथ उनको वहां पे नॉक भी करना होगा। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप वन टैप मारने की हैबिट को दूर करोगे और अपने गेम प्ले पे ओवरऑल फोकस करोगे शॉर्ट रेंज पे। और मैं एक ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ जो शॉर्ट रेंज प्लेयर्स के बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो ट्रेनिंग मोड में जो MVP प्लेयर होता है, जिसकी सबसे ज्यादा किल्स होती हैं लीडर बोर्ड पे, आप उसको टारगेट करो बिकॉज वो सबसे अच्छा प्लेयर होता है करेंटली उस ट्रेनिंग सेशन में। तो आपको कोशिश करनी है उससे आपको ज्यादा से ज्यादा जाके क्लोज रेंज में फाइट लेनी है। और वो कैसे पॉसिबल है, आपको उसको जाके मारना है एंड उसके बाद जो इमोट का सेक्शन है उसमें जितने भी इमोट हैं आपको वो सारे के सारे इमोट उसको दिखाने हैं, जिससे वो आपका चैलेंज एक्सेप्ट करे और आपसे वो बार बार आकर फाइट करे। तो ये ट्रिक है, आप यूज कर सकते हो किसी भी MVP, किसी भी ट्रेनिंग सेशन का जो MVP होगा उसको मारने के लिए। अगर आप उससे रेगुलरली फाइट लेते हो क्लोज रेंज में तो इन द एंड आपका गेम इम्प्रूव होता जाएगा। एक पॉइंट पे आपको और फोकस करना होगा, वो है किल स्ट्रीक। आपको नॉन स्टॉप किल्स करनी होंगी विदाउट गेटिंग एलिमिनेटेड। तो आपको यहाँ पे अपना खुद का रिकॉर्ड बार बार तोड़ना होगा। तो मेरा जो पर्सनल रिकॉर्ड है अभी तक का वो है 19 किल स्ट्रीक का। तो आप लोग का कितना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और डे बाय डे आप अपना जो किल स्ट्रीक है उस पे वर्क करो और खुद का रिकॉर्ड डे बाय डे आपको खुद ब्रेक करना होगा, जिससे आपका गेम प्ले, ओवरऑल गेम प्ले आपका इनहेंस हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना चैनल के सपोर्ट के लिए। तो बहुत सारे लोग, आप लोग वीडियोस जरूर देखते हो बट यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सपोर्ट जरूर करना। अब बात करते हैं यहाँ पे स्नाइपर प्लेयर्स की। तो सबसे पहले आपको दो स्नाइपर्स लेनी है और दोनों स्नाइपर्स में आपको लगा लेना है साइलेंसर, वो इसलिए कि आपकी पोजीशन बिल्कुल भी रिवील ना हो पाए। तो ये दोनों चीज करने के बाद आपको एक कॉर्नर देखना है जहां से आप ग्लिच फायर यूज कर सकते हो। अगर आपको ग्लिच फायर नहीं पता है तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो आपको कॉर्नर मिल गया और आपको ऐसा एंगल यहाँ पे क्रिएट करना है जहां से आपको सामने पूरा ग्राउंड विजिबल हो, पूरा एरिया विजिबल होना चाहिए जहां पे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वहाँ पे फाइट कर रहे हो या फिर उधर से निकल रहे हो। तो आपको वहाँ पे लॉन्ग रेंज में एम लेकर बैठना है और जितने भी प्लेयर्स आप लॉन्ग रेंज में स्पॉट करो उस एंगल से आपको नॉक करने का ट्राई करना है। और आपको दो बुलेट्स में पूरी कोशिश करनी है कि एक ओपोनेंट को आपको नॉक करना है। अगर आप ये कंसिस्टेंटली आप लगातार ये करते जाओगे तो आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आजकल मैं स्नाइपर प्लेयर्स को भी ट्रेनिंग मोड में देखता हूँ कि वो क्लोज रेंज में पता नहीं क्या करते हैं। भाई क्लोज रेंज में थोड़ी चलाने के लिए स्नाइपर्स होती हैं। आप लॉन्ग रेंज का सबसे पहले आपको वहाँ पे अपना एम सही करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप लोग को एक कॉर्नर देखना है जहाँ से जो एरिया है वो पूरा विजिबल होना चाहिए और सारे प्लेयर्स
सामने आपके विजिबल लॉन्ग रेंज पे होने चाहिए एंड वन बाय वन आपको उन सभी को नॉक करना है और आपको एक्यूरेसी इतनी बढ़ा लेनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दो शॉट्स लगातार कनेक्ट करने हैं अपने ओपोनेंट को और उसको नॉक कर देना है। अगर आप ये लगातार करते जाओगे तो आप समझ जाओ कि आपकी जो लॉन्ग रेंज एक्यूरेसी है स्नाइपर की वो आपने गेन कर ली है, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ई स्पोर्ट्स एज अ स्नाइपर को। अब बात करते हैं यहाँ पे नेडर की। एज अ नेडर आप ई स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग मोड में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको पता होगा कि नेड आपको एक टाइम पे चार कैरी कर सकते हो ट्रेनिंग सेशन में। तो आपको चार नेड्स लेने हैं और कोई ऐसा एंगल ले लेना है जहाँ से आपके सामने जो ओपोनेंट्स हैं वो फाइट कर रहे हो, और आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि आपके एक नेड थ्रो करने के बाद एक ओपोनेंट नॉक होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे वर्क करना है। आपके पास चार नेड हैं, आपको चार नेड से चार किल्स निकालनी है। ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको मिनिमम फोर नेड से फोर किल्स निकालनी है। और आपको ऐसे ही रैंडमली नेड टॉस नहीं करने हैं, आपको प्रॉपर एम करना है, आपको प्रॉपर कुक करना है और सही टाइम पे सही स्पॉट पे आपको नेट ड्रॉप करना है, तभी आपको वहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आप रैंडम नेट ड्रॉप करोगे और आपको किल मिल जाएगी तो बिल्कुल भी ये नहीं होने वाला। ये रैंक मैचेस में हो जाएगा, ये कस्टम रूम्स में हो जाएगा, बट ई स्पोर्ट्स में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको प्रॉपर नेट कुक करना पड़ेगा और सही एम सही टाइमिंग से आपको डालना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आप ट्रेनिंग मोड में कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करो और उसके लिए आप ई स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर होते रहो। और नेटिंग के लिए डिफिकल्टी इंक्रीज करने के लिए आप जो विंडोज दिख रही हैं यहाँ पे हैंगर्स में या फिर सामने हाउस में, उसके थ्रू नेट करोगे अगर कुक करके, अगर ओपोनेंट को आप हिट करते हो तो आपकी यहाँ पे नेटिंग एबिलिटी फॉर श्योर यहाँ पे आपने गेन करी है। अब बात करते हैं यहाँ पे असॉल्टर्स की। असॉल्टर्स किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीन स्टेप्स उनको फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको विदाउट ग्रिप विदाउट अटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज जब आप टूर्नामेंट खेलते हो या रैंक मैचेस खेलते हो तो जरूरी नहीं होता है कि आपको वहाँ पे अटैचमेंट्स मिले, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको विदाउट अटैचमेंट्स भी गन चलाना आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड, आपको लेवल 2 या फिर लेवल 1 ग्रिप लगानी है। इसी तरह से अपने जो अटैचमेंट्स हैं उसको अपग्रेड करना है और उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो असॉल्टर्स के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब उनको अटैचमेंट्स नहीं मिलते हैं तब वहाँ पे रिकॉइल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो स्प्रे वाली गन्स हैं लाइक M4A1X ग्रोजा, तो उसके लिए आप जो रनिंग ओपोनेंट्स होते हैं उसको नॉक करने की प्रैक्टिस करो, उनके ऊपर जो स्प्रे होता है उसको पूरा मेंटेन रखो, जहाँ तक वो रनिंग कर रहे हैं वहाँ तक आप अपने शॉट्स कनेक्ट करो और उनको नॉक कर दो। अगर वो साइडवेज रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको हेड मारने का ट्राई करना है, बिकॉज यहाँ पे असॉल्टिंग में आजकल हेड लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप असॉल्टर हो, अगर आप हेड नहीं मार पाते हो तो आपकी टीम को यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हर दूसरा प्लेयर असॉल्टिंग में आजकल हेड मारता है। तो आपको हेड के लिए यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। और जो गन्स हैं लाइक वुडपेकर और AC-80 आजकल सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेडली वेपन्स हैं फ्री फायर में, जो कि वन टैप बहुत ही स्पीड में लगाती है और लॉन्ग रेंज में खास करके इन स्कोप हो चाहे नो स्कोप हेडशॉट हो बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इन सारी AR गन्स पे प्रैक्टिस करनी है विद अटैचमेंट्स एंड विदाउट अटैचमेंट्स। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, अगर आप शॉर्ट रेंज के लिए प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो उस ट्रेनिंग सेशन में आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज की ही प्रैक्टिस करना, और जब आपका गेम आपको लगे कि हाँ अब मेरा गेम बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है शॉर्ट रेंज में, तब आप अपने लिए असॉल्टिंग वहाँ पे ऐड कर सकते हो, तब वहाँ पे आप असॉल्टिंग प्लस शॉर्ट रेंज गेम प्ले एक साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया है आपको उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल, अगर आप स्नाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ स्नाइपिंग के लिए करो, अगर आप नेडिंग कर रहे हो तो नेडिंग के साथ आप शॉर्ट रेंज ऐड कर सकते हो, अगर आप असॉल्टिंग कर रहे हो तो असॉल्टिंग के साथ आप कुछ भी ऐड मत करना, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे असॉल्टिंग ही करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। और गाइज, अगर आप लोग को हम लोग की वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, साइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग.